एक और जहां बीटेक छात्रों में जॉब प्लेसमेंट को लेकर के निराशा का माहौल है, तो वहीं पर दूसरी ओर राजधानी के जम्मू स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने इस मिथक को तोड़ा है। यूएम के वाइस चांसलर डॉक्टर विश्वजॉय चटर्जी ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री करने वाले 200 स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब ऑफर की गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं में बीटेक डिग्रीधारियों के लिए जॉब कम होने की गलत धारणा बन रही है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी से पास आउट बीटेक डिग्रीधारी स्टूडेंट्स को मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी पैकेज पर नौकरी मिल रही है। बोल के एक एग्जामिनेशन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किए है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ये जो स्टार्ट किए है, ये किस जरिए स्टार्ट किया, ये है मान लो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फर्स्ट आता है तो वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट है, वो तो ऑल इंडिया टॉपर नहीं है। तो एनपीटीएल जो है ये पूरे दुनिया पूरे इंडिया में सारे स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म में बिठा के एग्जाम लेके तैयार करा रहे हैं। तो इसमें पिछले 3 सेशन में वी आर स्टैंडिंग फर्स्ट इन राजस्थान। इन राजस्थान वी आर नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर एनपीटीएल एग्जाम में नंबर 1। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।